आज हम क्लास नाइन्थ में केमिस्ट्री साइंस में जो फर्स्ट जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो साइंस में है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के हमारे चारों ओर के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 293 केल्विन, 293 केल्विन, और बी जो ऑप्शन है वो है 470 यानी कि 470 केल्विन। तो 293 केल्विन को किस प्रकार से सेल्सियस में बदलेंगे ये हम देखते हैं। तो पहले हमने लिखा 293 केल्विन इज इक्वल टू, फर्स्ट का जो आंसर आया वो आया 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, माइनस 273, इसका मीनिंग ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हम क्या मान सकते हैं 273, यानी कि केल्विन 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हैं। इसका मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्लस 273 प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 293 माइनस 273 273, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, या ये कहिए 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है वो है 470 केल्विन, यानी 470 केल्विन को हमने कन्वर्ट किया डिग्री सेल्सियस में। तो 470 केल्विन में हमने क्या किया, 470 माइनस 273 273 क्या किया, माइनस किया, तो हमारा आंसर कितना निकला, 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्कीम। हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। इससे पहले हमने केल्विन को सेल्सियस में जब हमने कन्वर्ट किया तो उसमें 273 क्या किया था, ऐड किया। तो यहाँ पे हम सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। व्हाई, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, सो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। देन नाउ बी, 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 प्लस 273 इक्वल टू 646, इट मींस डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट टू केल्विन, और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, केल्विन लिख लेंगे। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म किया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। देन क्वेश्चन नंबर टू, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको इस ऑब्जर्वेशन को देखना है और उसके बाद उसका रीजन, कारण बताना है। क्वेश्चन क्या है, ए नेप्थलिन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेप्थलिन जो बॉल्स होती हैं, जो कपूर की जो गोलियां होती हैं, ये गोलियां कुछ समय के बाद, ठोस दिखने के बाद, कुछ दिनों के बाद डिसअपीयर हो जाती हैं। तो ये कहाँ जाती हैं और ये किस फॉर्म में बदल जाती हैं। जो नेप्थलिन जो बॉल्स हैं, ये जो बॉल्स हैं, ये नेप्थलिन बॉल्स हैं, ये आपको दिखा देते हैं, दीज आर द नेप्थलिन बॉल्स। और ये जो बॉल्स होती हैं, ये जो बॉल्स होती हैं आफ्टर सम टाइम्स, कुछ जगह हम कपड़ों में तो इसको रखते हैं ना, अपने अलमारी में रखते हैं, अपने बेड सीट बेड में डालते हैं। तो ये जो नेप्थलिन बॉल्स हैं ये आफ्टर सम टाइम्स ये सॉलिड दिखती हैं, लेकिन अगर हम इनको खुला छोड़ दें हवा में तो कुछ दिनों के बाद ये छोटी होती जाती हैं और डिसअपीयर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि ये प्रोडक्ट जो नेप्थलिन बॉल्स हैं, इसको नेप्थलिन बॉल्स कपूर की गोलियां कहते हैं, तो ये गोलियां आखिर कहां जाती हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और क्यों हो जाती हैं। इसका जो आंसर बनेगा ऐसा बनेगा कि नेप्थलिन बॉल्स सबलाइम फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट डायरेक्टली, मतलब जो नेप्थलिन बॉल्स होती है सबलाइम हो जाती है। सबलाइम मीन्स जो वन स्टेट डायरेक्टली थर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, सबलाइम, मतलब सॉलिड है और सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधे किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। हम जानते हैं ना थ्री स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड से डायरेक्टली थर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है या गैस से डायरेक्टली
सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबलिमेट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज सबलिमेशन। एंड सो नेफ्थलीन बॉल्स सबलाइम, ये सबलाइम होते हैं, मीन्स वन स्टेट टू डायरेक्टली कन्वर्ट टू थर्ड स्टेट, वन टू डायरेक्टली थर्ड स्टेट, सो टू वेपर स्टेट डायरेक्टली, सो दे डिसअपीयर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। इसलिए ये क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो जाते हैं विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिना कोई सॉलिड अवशेष छोड़े। नाउ इसका जो सेकंड जो पार्ट है बी, अभी तो हमने फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कि रीजन देना था जिसमें ऑब्जर्वेशन को देख करके नेप्थलीन बॉल्स वाला। अब हम इसका बी पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। जब हम परफ्यूम की जो खुशबू है ना, हम सेवरल मीटर्स मतलब कई मीटर दूर तक उसकी खुशबू आती है, तो इसका क्या कारण है, मतलब कोई आदमी अगर परफ्यूम डाल के चल रहा हो तो उसकी खुशबू काफ़ी मीटर दूर तक चली आती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, तो इसका क्या कारण है, व्हाट इज द मेन रीजन। नाउ इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, परफ्यूम हैज अ हाई डिग्री ऑफ वेपोराइजेशन। जो परफ्यूम है वो हाई डिग्री वेपोराइजेशन, उसका जो वेपर बनने की जो प्रोसेस है वो हाई डिग्री होती है, एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू एयर इजली। और इसकी जो वेपर है, इसका जो भाप है वो एयर में डिफ्यूज मीन्स मिक्स हो जाना, मिल जाना, वो एयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। सो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसीलिए हम क्या करते हैं, परफ्यूम की जो महक होती है, परफ्यूम की जो स्मेल होती है, उसको काफ़ी मीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। सो इट इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी पार्ट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आपको जो सबस्टांस दिए गए हैं, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स, फोर्स इनके कणों के बीच में, इनके जो मैटर, जो ये वाटर शुगर और ऑक्सीजन जो ये मैटर है ना, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जो इनका पार्टिकल्स का जो फोर्स, जो कणों का एक दूसरे पे जो अट्रैक्शन लगता है, आपको उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में इनको रखना है, वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। अब देखिए हमने लिखा ऑक्सीजन वाटर एंड शुगर, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या है अपने आप में, गैस है, ठीक है, गैस है। वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, एंड शुगर इज सॉलिड। तो हम जानते हैं इस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कण दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है। लिक्विड के पार्टिकल तो पास पास होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच का अट्रैक्शन थोड़ा गैस से तो ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड से कम होता है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन बड़ा मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स द सॉलिड का जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेटर देन लिक्विड देन गैस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड का मैक्सिमम है, ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड का है। सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, द सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, ठीक है, एंड लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, सो इट इज द आंसर। तो ये हमने आंसर लिख दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ये बन गया हमारा आंसर, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आप, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ए है 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी फॉर्म में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होगा, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होगा। तो 25 डिग्री ए हम स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉर्मलाइज 25 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर, पानी कमरे के तापमान पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में होगा। हम सब जानते हैं पानी कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। नाउ द आंसर इज 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, पानी होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, हम सब जानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस भाई अगर हम उसको फ्रीजिंग कर ले, उसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दे, तो उस समय पे वो पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, इट मींस इट इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। एंड नाउ द 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम पानी को उबालते रहे उबालते रहे उबालते रहे, और 100 डिग्री पे वो क्या होने लगेगा, 90 डिग्री जैसे अबव होगा, वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है, और इसको हम कौन सी फॉर्म कहेंगे, गैसियस फॉर्म।
तो दीज आर द डिफरेंट टेम्परेचर फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग फॉर्म में रहता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई, मतलब आपको दो कारण बताने हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. अभी हम यही तो देख रहे थे कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है. तो हम पहले इसका ए पोर्शन ही ले लेते हैं, मैं बी वाला बाद में क्वेश्चन और आंसर एक साथ आपको बताऊंगा. तो पहले हम ए वाला देख लेते हैं. नाउ द फर्स्ट आंसर जो क्वेश्चन हमें दिया था कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, व्हाई, टू रीजन हमें बताने थे, टू रीजन हमें बताने थे. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूडिटी एंड एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स. इसका मतलब है कि जो लिक्विड है, एक तो उसमें फ्लूडिटी है. फ्लूडिटी क्या है? फ्लूडिटी क्या है? देखिए, फ्लूडिटी मीन्स बहना. हम इसको ये देखिए, इसको एक वेसल से, एक सिलेंडर में मैंने लिया है वाटर को. मैं इसको ये देखिए, ये फ्लूडिटी, फ्लूडिटी मीन्स बहना. अगर ये सॉलिड होता, माना ये रुई होती, मैं इसको यूं करता तो रुई ऊपर थोड़ी ना आ जाती. तो ये इसका फ्लूडिटी, मतलब बहने की जो इसकी जो प्रवृत्ति है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फ्लूडिटी. दूसरा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इट इज द सेकेंड वन इज द एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स, मतलब जिसको जिस भी वेसल्स में रखते हैं ये उसका शेप ले लेता है. तो दैट इज द रीजन दैट वाटर इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड फॉर्म. तो दैट इज द टू रीजन्स. तो जिस बर्तन में रखो ये उसका शेप ले लेता है. सेकेंड वन क्वेश्चन इज एन आयरन एलमिरा इज द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. कहने का मतलब है कि जो आयरन, जो लोहे की जो एलमिरा, जो अलमारी है, दैट इज द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, 20 या 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान है, या 40 डिग्री सेल्सियस. तो इस तापमान पे जो एलमिरा है लोहे की, वो सॉलिड फॉर्म में है. वाई, व्हाट इज द मेन रीजन? नाउ द सेकेंड वन क्वेश्चन, एन आयरन एलमिरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये तो हो गया हमारा कि जो आयरन एलमिरा है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. इसका आंसर क्या बना? एन एलमिरा इज अ सॉलिड स्टेट. जो एलमिरा है वो सॉलिड स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे. बिकॉज, कारण नंबर वन, इट इज रिगिड. नंबर वन, क्योंकि ये रिगिड है. ठीक है, रिगिड मीन्स ठोस है. ठीक है, इसके कण जो हैं कि आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट, बाइंड, अच्छी तरह से बाइंड हो चुके हैं, हुए हैं. सेकंड वन इज इट हैज ए फिक्स शेप्ड. इसका जो आकार है वो फिक्स है. ठीक है, जैसे वाटर का हमने शेप देखा था, तो वो जिस पॉट में, जिस वेसल्स में उसको लेते हैं, वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जो एलमिरा का ऐसा नहीं है, आपको दिखा भी देते हैं. This is the iron almira and that is rigid and it has a fixed shape. इसका shape fix है. ठीक है, तो so these two regions, then an iron almira is solid at room temperature. Okay, now next question. Then now question number 7. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? मतलब 273 Kelvin पे अगर पानी भी हो और आइस भी हो, बर्फ भी हो और पानी भी हो 273 Kelvin पे, तो आइस इजिली इफेक्टिवली कूलिंग, मतलब ठंडा हो जाता है या जल्दी पिघल जाता है सेम टेम्परेचर पे. वाई, वट वाई, मतलब आइस और वाटर अगर दोनों 273 केल्विन पे हों, तो दोनों में से जो आइस है वो जल्दी से अपनी स्टेट चेंज कर लेता है इन केस ऑफ सेम टेम्परेचर. देन आंसर इज आइस एट 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर. द डिफरेंस बींग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट का मतलब है कि जो गुप्त ऊष्मा होती है जो उसको बर्फ को पिघला करके पानी बना देती है. तो बर्फ पानी क्यों बनता है? क्योंकि उसकी जो लेटेंट हीट होती है फ्यूजन की, वो उसको क्या करती है? एनर्जेटिक बना देती है. तो दैट इज द आंसर. आइस एट 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर. पानी की बजाय
कम एनर्जेटिक होता है कौन, आइस 273 केल्विन पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे, द डिफरेंस बीइंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये डिफरेंस किसके कारण होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पिघलने की गुप्त ऊष्मा के कारण। और गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट किसे कहते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो बर्फ को पानी कौन बना रहा है, लेटेंट हीट। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर, बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब कौन हमें ज़्यादा घातक, ज़्यादा मतलब किस से हम ज़्यादा दर्द हमें महसूस होगा, बॉइलिंग वाटर से या फिर भाप से, उबलते हुए पानी में अगर हमने हाथ डाल दिया, उंगली डाल दी, या फिर भाप में उंगली डाल दी, दोनों में से किससे हमें ज़्यादा दर्द महसूस होता, कौन हमें ज़्यादा जला सकता है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम। तो इसका आंसर आइए देखते हैं, आंसर है स्टीम इज मोर एनर्जेटिक देन बॉइलिंग वाटर, कैन प्रोड्यूस सेवर बर्न्स, बट एक्चुअली बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स एज इट रिमेंस इन कॉन्टैक्ट विद स्किन फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन। कहने का मतलब है कि जो स्टीम, जो भाप जो होती है ना, दैट इज मोर एनर्जेटिक, ये ज़्यादा एनर्जेटिक है, इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है बॉइलिंग वाटर की बजाय। वाई, बिकॉज स्टीम जो भाप है उसकी लेटेंट हीट एनर्जी ज़्यादा है, उसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी भी रोटी जब बनाते हैं ना, तो रोटी बनाते हुए हाथ अगर गैस के चूल्हे में पड़ जाए तो उतना दर्द नहीं होता, आँच में पड़ जाए तो दर्द नहीं होता, लेकिन अगर रोटी फूल गई, फुल्की बन गई और उसके अंदर छेद हो गया, उंगली अंदर गई, तो उससे जो भाप निकलती है, गर्म जो भाप निकलती है, तो उससे जब उंगली जलती है तो उससे ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इसका जो मुख्य जो कारण है वो क्या है, लेटेंट हीट, ठीक है। तो स्टीम की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, सो इट हैव मोर एनर्जेटिक देन बॉइलिंग वाटर, इसलिए उबलते हुए पानी और भाप की बजाय भाप में जलना ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। सो इट, सो नाउ 8 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, नाउ वी स्टार्ट द लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Now the question number 10, name A, B, C, D, E, F in the following diagram showing change in its state, solid, liquid, gas, ठीक है। तो solid से liquid में जा रहा है या liquid से solid में आ रहा है, फिर liquid से gas में जा रहा है और gas से liquid में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देख रहा है solid से जब liquid में convert होगा तो A, उसे क्या कहेंगे, उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे solid, मतलब ठोस, ठोस जैसे बर्फ है, जब वो पानी बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसका आंसर यहाँ पे आएगा ए। लिक्विड से फिर वापस जब सॉलिड बनता है, पानी से जब बर्फ बनती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, लिक्विड पानी से जब भाप बनती है उसे क्या कहते हैं, वहां यहाँ पे आएगा। और गैस से जब लिक्विड बनता है उसे क्या कहते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट थर्ड स्टेट में जब गैस बनता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ आएगा। या गैस से जब डायरेक्ट सॉलिड बनेगा उसे क्या कहेंगे। तो आपको ए बी सी डी ई एफ ये ऑप्शन भरने हैं इस क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं। तो पहले हमने ए वाला सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं आंसर कर रहा हूं आपको, पहले क्वेश्चन उतारना फिर आंसर करना। ए सॉलिड जो था ना ठोस, जैसे बर्फ था, तो बर्फ जब लिक्विड में बदला, पानी बदला, तो उसे हमने क्या कहा, फ्यूजन, एफ यू एस आई ओ एन, फ्यूजन। अब हम देखते हैं बी, अब बी वाला देखिए, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना उसे फ्यूजन का, लिक्विड पानी जब गैस बना, भाप बना, तो उसे हमने क्या कहा, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण, ठीक है, भाप बनना, वेपोराइजेशन। अब देखते हैं सी, अब जो सी वाला जो है कि गैस से लिक्विड, ये यहाँ जा रहा है ना, तो गैस से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। भाप है भाई, पानी ऊपर बना, बादल बने, तो बादल से पानी का बरसना, पानी का बनना, बादलों से बारिश का बनना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए बी सी हो गया, अब हम देखते हैं डी वाले को। अच्छा, जो लिक्विड, लिक्विड पानी से सॉलिड, पानी का फिर से बर्फ बनना, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीज होना, इसको हम फ्रीजिंग भी कहेंगे या सॉलिडिफिकेशन, इसका साइंटिफिक टर्म्स इसका नाम होगा, लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। देन नाउ ए बी सी डी हो गए, अब हम देखते हैं ई को क्या कहेंगे, सॉलिड टू गैस या वन स्टेट टू डायरेक्टली थर्ड स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड एक स्टेट से डायरेक्टली थर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज
सब्लिमेशन, ऐसे ही एफ के लिए भी तो वही हो रहा है, गैस एक स्टेट से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, बीच वाली स्टेट गैप हो रही है, तो वन डायरेक्टली फर्स्ट स्टेट टू डायरेक्टली थर्ड स्टेट, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ई और एफ दोनों में क्या आएगा, सब्लिमेशन, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, गैस कन्वर्ट टू सॉलिड, फर्स्ट स्टेट टू डायरेक्टली थर्ड स्टेट, दैट इज सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे क्या, नेफ्थलीन बॉल्स। तो इस प्रकार से हमारे ऑल्सो 10 क्वेश्चन इज कम्प्लीट, 9 क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड एंड द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, ऑल क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। तो ये इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट।